13 और 14 तारीख की रात को 87 बटालियन की बीओपी खालड़ा में रात को 3 बजे जो हमारे नाइट के कैमरे होते हैं उसके द्वारा हमारे ड्यूटी के दौरान आदमी ने दो बंदों की पाकिस्तान की तरफ से हरकत इंडिया में आते हुए देखी। उसको हरकत को देखने के बाद में उन्होंने पार्टी को अलर्ट किया। अलर्ट करने के बाद में जब देखा कि इंडिया की तरफ से भी दो बंदे आए हुए हैं और ये जो हीरोइन का पैकेट है ये थ्रो कर रहे थे, तो उसके बाद हमारी पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद में जो इंडिया वाले थे वो पीछे भागे और दूसरे जो दो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान की तरफ भागे। उसमें से जो है हमने एक जो इंडिया वाला बंदा था उसको पकड़ लिया। उसका नाम बलबीर सिंह सनोफ सोन सिंह खालसा नगर तरन तारण रोड अमृतसर का रहने वाला है और जो कि जिंदा पकड़ा गया है। चैलेंज करने के बाद में जब उसने अपना खड़ा हो गया तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जब तलाशी ली तो एक उसके पास में पिस्टल मिली और उसके बाद में पिस्टल के साथ में राउंड और एक मैगजीन मिली और बाकी इलाका सर्च करने के बाद में हमें उस पूरे इलाके में 9 पैकेट हीरोइन के जो लगभग 1-1 किलो के हैं वो रिकवर हुए। ये सर फेंसिंग के साथ था? ये फेंसिंग के साथ वो जो थ्रो किया उन्होंने, थ्रो करने के बाद में फिर हमने ये इलाका सर्च करने के बाद में रिकवरी की। अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा पता है, एक पैकेट की 5 करोड़ तो उनकी सर्क सबकी मिला के 45 करोड़। सर कोई फायरिंग भी हुआ? जी फायरिंग हुआ कोई? फायरिंग वो जो फायरिंग हमने जब चैलेंज पुकारा तो ये खड़ा हो गया, ठीक है ना, तो फिर फायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिकवरी भारतीय तस्कर के कहने पर हुई है कि जहां आपने पहले कर ली थी? नहीं नहीं, रिकवरी तो इलाका सर्च करने के बाद हुई ना, ठीक है ना। ये 3-4 पैकेट ही इसके पास थे और उसके पास पिस्टल थी, ठीक है ना। बाकी इलाके की सर्च की तो वहाँ इलाके में खेत में और वहाँ पे फेंसिंग के साथ में ये पैकेट हमें मिले जो टोटल 9 है। सामने आया पूछताछ के भी इनके कहाँ से? पूछताछ में ये जो साथ में आया उसका नाम नहीं बता रहा है, जो भी है अब देखते हैं। सर कितना टाइम होगा रिकवरी का? रिकवरी रात को 3 बजे देख लिया था और 3:16 पे हरकत हमने जो है जैसे ही इन्होंने थ्रो किया हमने विद इन सेकंड जो है ये कार्रवाई कर दी थी और रिकवरी शुरू हो गई थी। सर जिस टीम ने ये कैप्चर किया उसको अंदर करने के लिए आप शाबाशी करेंगे? वो तो शाबाशी के हकदार है, ठीक है ना। वो जो टीम है वो पूरी पार्टी शाबाशी के हकदार है। से कितने लोग दिखे थे? दो, दो। जी तो दूसरा अभी भाग गया? दूसरा चला गया जी। तो अभी और कुछ पूछताछ में सामने आ सकता है? अभी तो पूछताछ में तो देखते हैं, ठीक है ना। अभी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कानून में अपनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई जी।